प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सोहन सिंह सोलंकी द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम तहसीलदार बजरंग बहादुर को ज्ञापन सौंपा गया। सोलंकी द्वारा बताया गया कि गत दिवस देपालपुर तहसील के ग्राम चटवाड़ा में एक दलित महिला के शव को कुछ लोगों द्वारा शमशान में जलाने से रोका गया था, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं और प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी द्वारा उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में और किसी दलित के साथ ये घटना ना हो सके। बैठमा से संवाददाता की रिपोर्ट। अपने ग्राम चटवाड़ा के शव न जलाने देने के विषय में तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया गया प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी की ओर से व सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, जिसमें अधिकारियों से मांग की गई है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगे जो कि अनुसूचित जाति जनजाति की कहीं शव यात्रा नहीं निकालने दी जाए, उस पर रोक लगे और अनुसूचित एससी एसटी एक्ट व अन्य धाराओं के अंतर्गत मामले दर्ज करने की साहब से निवेदन किया है और सभी कार्यकर्ता इसमें उपस्थित रहे। आपका नाम और पद? मेरा नाम सोहन सोलंकी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी देपालपुर, प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।